ಆಡಿಸಿಲ್ಲ. नमस्कार मंडली, कैसे हो? मस्त हो ना? होना भी चाहिए. सो गुड मॉर्निंग. और ये है हमारा सैन जुआन का सेकेंड डे. वैसे तो घूमने के लिए फर्स्ट डे ही बोल सकते हैं, क्योंकि कल ऐसा इतना कुछ घूमे नहीं, बहुत कुछ थक चुके थे. खाली देखना था क्या है यहाँ के वाइब्स, देख के आए वापस. और अभी हम निकलने ही वाले हैं. अभी प्रफुल्ल यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, बाकी सब कुछ रेडी है, बैग वगैरह लेके हम निकल जाएंगे. और ये एयरबीएनबी भी हम खाली कर देंगे, क्योंकि रात के लिए ही थी. और आज सारा कुछ घूमेंगे और रात में दूसरी जगह पे होंगे कहीं पे, तो आपको दिखाऊंगी मैं. सो चलो, अभी कितने बजे? 9 बज गए हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी बाकी है. अभी खाली हम रेडी हो गए हैं और अब हम हमारे दूसरे दो फ्रेंड्स को मिलाएंगे. कौन है? सो आप आगे आगे देखते जाओ. और ये ऐसा था हमारा एयरबीएनबी पूरा. मैंगो, अरे अहमदाबाद, ये ना इधर पूरा इंडिया जैसा ही है. पूरा एटमॉस्फेयर भी इंडिया जैसा है. यहाँ के घर, पौधे, सब कुछ इंडिया जैसा ही है. तो चलो, अभी अच्छा लग रहा है हमें. अभी यहाँ पे हम गाड़ी में बैग रख देंगे. अरे ये मांजर है ना, रात्रिपासून इथेच घुटमळतीये बरं. इथं फेमस आहेत म्हणून मांजर खूप असतात इथे. एक तर एरिया आहे ओल्ड सॅन जुआन मध्ये, तिथे सगळ्या मांजर आहेत. त्याच काही हिस्ट्री आहे. चलो. सो अब हम निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं. हमें लेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलो. एकदम टॉप टू टॉप टाइम पे भी नहीं. यस, चलो. और कोइंसिडेंसली प्रफुल्ल का और मेरा थोड़ा सा मैच हो गया है. ये जैसे कि मैंने बोला, ये रात से ना यहीं पे ऐसे बीच बीच में आ रही है. देखो ऐसे ना यहाँ पे आ गई और ऐसे सो गई. देखो देख रही है, इधर ही देख रही है, उसको पता है मैं देख रही हूँ. और अब बज चुके हैं मॉर्निंग के 10 और हम पहुंच गए हैं आई लव सैन जुआन के साइन के पास. यहाँ पे बहुत सारी हमने फ़ोटो खींची और नेहा और स्वप्निल अभी अभी मिले थे, तो बहुत सारी गपशप हुई हमारी. अभी उनको मिलवाती हूँ मैं. सो अब हम ओल्ड सैन जुआन बोल रही थी मैं कल से. सैन जुआन उसका प्रोडक्ट सेशन नहीं है, सैन जुआन है. और मैं जो बोल रही थी कि दो फ्रेंड्स भी मिलने वाले हैं, वो अब मिल चुके हैं. तो यहाँ पे है नेहा, आप पहले भी मिल चुके हैं मराठी ब्लॉग में. तो इधर है स्वप्निल. और ये पूरा जग नहीं बोल सकते, लेकिन अमेरिका पूरा घूम गए और जग भी थोड़ा थोड़ा घूम गए. घूम के आए हैं. सो पुढचे 2-4 वर्ष संपून जाईल. हाँ, नेक्स्ट 2-4 ईयर में पूरा वर्ल्ड टूर हो जाएगा. मतलब एक्चुअल वर्ल्ड टूर. हाँ, जो लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड टूर वो वाला नहीं है, सब भी स्पॉट कवर करके हो जाएगा. सो अभी हम ओल्ड सैन जुआन देखेंगे. ये देखो, ये इधर देख के ये पूरा मतलब गोवा की वाइब आ रही है मुझे. सो लेट्स सी अभी क्या क्या देखते हैं. ये लिए है हमने आइसक्रीम. और ये कोई कैसे है, कोकोनट आइसक्रीम मस्त. और ये है पीनट चेरी, पाइनएप्पल चेरी. यस, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, अच्छा है. अब सब मिलके खाएंगे हम. वैनिला करके प्लेन है, अंडे तोर सा टांगी है. सो इट्स कोकोनट. यस, ये है पाइनएप्पल चेरी. यस. Oh.
हमने घूमते घूमते वो आइसक्रीम खत्म कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब भी कुछ अलग है यहाँ में घूमने का, यहाँ पे घूमने का। और मेरा हिंदी ना बहुत ज़्यादा चुकेगा, सो आप समझ लोगे, पता है मुझे। सो अभी चलो देखेंगे आगे। और यहाँ पे जो ये पेंटिंग दिख रही है अम्ब्रेला के साथ, वो सब यहाँ पे होता है लेकिन पता नहीं है, सब बोल रहे हैं कि यही पे होता है लेकिन अभी तो है नहीं। सो अभी देखेंगे आगे है या नहीं, नहीं तो उसके सिवा भी काम चला लेना पड़ेगा, अभी ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और अब हम आ गए एक शॉप में और ऐसा है अंदर से शॉप, बहुत कुछ है यहाँ पे लेने के लिए। और हम ढूंढ रहे हैं मैग्नेट, सो ये सब मैग्नेट्स है यहाँ पे, सो अभी देखेंगे कौन सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना पूरे बहुत ज्यादा कैट्स है और एक स्ट्रीट तो पूरी कैट की ही है, ये देख सकते हैं। अरे दोनों है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ है और इतने अच्छे, मतलब घर को वो कवर कर रहा है, डैमेज भी कर सकता है लेकिन वो फिर भी उन्होंने कट नहीं किया है उसको, मतलब मेंटेन किया है अच्छे से। नहीं तो हमारे इधर लोग जो इतना पास में अगर रहता है ना तो बोलते हैं कि घर गिर जाएगा और क्या क्या बोल के कट कर देते हैं उसको। यहाँ पे ना स्पीड 5 है, मैक्सिमम 5 है स्पीड लिमिट यहाँ पे। हमारे यहाँ पे संभाजी नगर में जैसे 52 गेट्स है, वैसे यहाँ पे ये पोर्टो रिको में 5 गेट है, इसलिए उसका नाम पोर्टो रिको है। उसको उसको मतलब स्पैनिश नाम है उसका, पुर्तास बोलते हैं 5 को, और ये उसमें से एक गेट है। तो ऐसे 5 गेट यहाँ पे है मेजर। घेतलं पाहिजे।
पाडशील पाडशील और इस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे आके इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऊपर से इतनी धूप थी और यहाँ पे अच्छे से ठंडी हवा चल रही थी और वो समंदर का आवाज़। और इस जगह का नाम मैंने स्क्रीन पे फ्लैश किया है क्योंकि वो स्पेनिश में है और उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही होता है। सो आप ही पढ़ लो और मुझे बताओ। ती आसे। जैसे कि आपने देखा उधर वो डेक था, अभी यहाँ से नहीं दिखाई दे, हाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे गए थे हम और बहुत अच्छा लग रहा है, पूछो मत। देखो खाली। हाँ ना प्रफुल्ल, एक लड़की यहाँ पे बैठी है, उसको पूछेंगे हम कैसा लग रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ना मैसेज करना सुबह। ओके, और ना ये ना इसके बॉस को उल्लू बना के आई है छुट्टी पे। और अभी मैसेज कर रही है कि मेरा भाई आया है और अचानक जाना पड़ा और कब से प्लान था। आपण वर गेलो ना मे बी ऊन लागेल पण हवा नाही होणार। कारण फोर्ट आणखी बराच दूर आहे, हिरवा समुद्र दिसतोय त्याच्या समोर। नेहा मांजरी 6, 7, 8, 9 इकडे बघ समोर। और इनको यहाँ पे फूड दिया जा रहा है, इतनी सब कैट है देखो। और यहाँ से सामने जो दिख रहा है वो मिलिट्री बेस हुआ करता था वर्ल्ड वॉर के टाइम में पोर्टो रिको का, और हम अब वही जा रहे हैं सीधे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। एंड व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।